गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, उस दिन हमने डिस्कस किया था आपसे गॉस थ्योरम के बारे में, उसके कुछ न्यूमेरिकल से बताए थे और गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको। आज बताते हैं आपको, पहले एक बार फिर समझ लीजिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/εo गुना होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एन इलेक्ट्रिक प्लस पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/εo टाइम्स ऑफ द चार्ज एट द क्लोज सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एन इलेक्ट्रिक प्लस पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/εo टाइम्स ऑफ द चार्ज एट द क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन εo। अब हम बता रहे हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। साइंटिस्ट गॉस ने ये बताया था अकॉर्डिंग टू गॉस कि अगर देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, कैसा होता है, ससंवेद होता है, यानी कि सिमेट्रिक होता है, इसके ड्यू टू अगर कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक प्लस फाइंड करना है, यानी वैद्युत से तीव्रता ज्ञात करनी है और वैद्युत प्लस ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, यानी कि कल्पना कर लेते हैं जो कि अराउंड द चार्ज होता है। अराउंड क्या होता है, चार्ज होता है, नोन एज ए गॉसियन सरफेस, यानी किसी चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं जिससे इलेक्ट्रिक प्लस पास आउट होता है, उसे क्या कहते हैं, नोन एज ए गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉसियन पृष्ठ। किसी आवेश के चारों खींचा गया वो पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जिससे वैद्युत से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब एक बार देखिए, सामान्यता जो गॉसियन पृष्ठ यानी गॉस सरफेस होते हैं वो आपके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, यानी गोलाकार होंगे या बेलनाकार होंगे। तो इसी देखिएगा फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस के पैरेलल है, ऐसा है, सरफेस के पैरेलल है, यानी कि पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के क्या है, समांतर है, तो उस केस में थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, तो आपका आएगा फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90, तो आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा ई डी ए 0, कॉस 90 वैल्यू 0, तो यहां से फाई वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा जो है, अगर पृष्ठ के लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उस केस में क्या आएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री, तो यहां से आएगा फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई डी ए आ जाएगा। केस थर्ड, अगर मान लीजिए पृष्ठ के किसी भाग में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दी हुई है, अगर किसी भाग में यानी किसी पार्ट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक प्लस ऑलरेडी हो जाएगा 0, यानी इफ E इक्वल टू 0 देन फाई इक्वल टू आल्सो 0। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, यानी गॉस प्रमेय के क्या है, अनुप्रयोग। चले लो देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्लाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक वायर लेंगे, फाइनाइट लेंथ का है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक स्मॉल आर रेडियस और स्मॉल एल लेंथ का
एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, यानी इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलनाकार वृत्त खींचेंगे। अब देखिएगा इसकी लेंथ हो गई बेटा स्मॉल एल, ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। अब ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर इसने परपेंडिकुलर लिया है, ये प्लेन है इसका एरिया वेक्टर इसने परपेंडिकुलर लिया है, और ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आपका यह है, और इसके ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इसके ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आएगा ड्यू टू पास टू चार्ज आउटसाइड होता है, या एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक प्लस जो पास आउट होगा आपका इस प्लेन से होगा, इस प्लेन से होगा या सरफेस से होगा। ऐसे कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ऐसे मान लीजिएगा ये है चौक है आपकी सिलेंड्रिकल है, तो इसका एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और सरफेस ये है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका यहां से पास होगा, यहां से पास होगा या सरफेस से पास होगा, यानी इसके तीन ही पॉइंट है, कोई चौथा पॉइंट नहीं जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो पास आउट हो सके। तो देखिएगा यहाँ एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्षेत्रीय सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से पास पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा आपके पास देखिएगा आर ई इक्वल्स टू प्लेन ई डॉट डी ए प्लस प्लेन ई डॉट डी ए प्लस सरफेस ई डॉट डी ए। प्लेन में एंगल कितना बन रहा है आप देख रहे हैं बेटा 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो फाइव इक्वल्स टू आएगा प्लेन ई डी ए कॉस 90 प्लेन ई डी ए कॉस 90 प्लस सरफेस ई डी ए कॉस 0। अब देखिएगा कॉस 90 वैल्यू कितनी होती बेटा 0 0, ये आएगा सरफेस ई डी ए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा फाइव प्लस टू ई डी ए। अब आपको मालूम है बेटा ध्यान दीजिएगा ई को आउटसाइड कर लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है यानी कि बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH होता है, क्या होता है 2πRH, यहां ऐसी वैल्यू कितनी है L है, तो फाइव इक्वल टू आएगा यहां पर ई इंटू 2πRL, यहां साइड नोट कर लीजिएगा इसका सरफेस एरिया है 2πRL। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के देखिए एलएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस क्या करेंगे आप इक्वल कर देंगे, तो क्या आएगा ये आ जाएगा आपके पास E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू आएगा Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये ध्यान दीजिएगा Q अपॉन L जो होता है इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो यहां से E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε नॉट आर। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के ड्यू, यानी कि एक समान आवेश से तरंग लंबाई के चालक के कारण दो क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा और फिर समझ लीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है यानी कि तार है,
अब हम क्या करेंगे, इससे r डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके चारों अराउंड दी वायर आप एक सिलेंडर स्मॉल r रेडियस और l लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, यानी तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे। तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर क्षेत्रीय है क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन किसके परपेंडिकुलर, सरफेस का ये परपेंडिकुलर होगा। आप देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होता है, पास टू चार्ज आउटसाइड बस वन आगे कि नहीं आगे। एक पॉइंट समझिए, इसके निवेदन के लिए ई इक्वल टू होता है बेटा वन अपॉन फोर के होता है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में टू का मल्टीप्लाई कर देंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपका। कितनी बार समझ में आ गई कि नहीं आ गई।